ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही। जहां शंभू बॉर्डर पर फिर से आंसू गैस की गोली छोड़े गए हैं, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। शंभू बॉर्डर पर फिर से भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले हैं, ये बड़ी खबर। तो वहीं अपनी जगह से प्रदर्शनकारी एक बार फिर से हटे हैं, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में संघर्ष भी देखने को मिला। हालांकि इससे पहले पुलिस लगातार किसानों से अपील करती नजर आई कि वो अपनी मशीनें पीछे कर दे, मशीनों को रोक दे, लेकिन बावजूद इसके जब झड़प हुई तो उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच पर डटे हुए हैं। तो वहीं अब प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी उन पर दागे गए हैं। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। शंभू बॉर्डर पर भगदड़ जैसे हालात बने हैं, अपनी जगह से प्रदर्शनकारी हटे हैं। आपको बता दें कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान संघर्ष भी देखने को मिला। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी हमारे साथ जुड़ गए। बीएस, अब जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जागृति, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है बड़ी तादाद में मौजूद है और आज उनका दिल्ली कूच करने का भी जो एक पहले से प्रोग्राम था वो निश्चित था, लेकिन उसके बाद भी जो उधर दूसरी तरफ पुलिस है तो पुलिस भी काफी कड़ी निगरानी रखे हुए है। तो जैसे ही किसान थोड़ा सा भी एक लाइन खींची हुई है, लाइन के आगे बढ़ते हैं तो उधर से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं ताकि दबाव बना रहे और किसान और जो स्थिति है वो कंट्रोल में रहे। तो बीच में रह रहकर पुलिस ऐसी कार्रवाई करती है किसानों को रोकने के लिए, तो इस वजह से लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। किसान नेताओं की जो है सरकार के नुमाइंदों के साथ लगातार बातचीत जारी है और अभी तक जो है किसान शंभू बॉर्डर पे ही रुके हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बीएस आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार शंभू बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में संघर्ष भी देखने को मिला। हालांकि लगातार ये अपील जरूर की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो झड़प की तस्वीरें हैं वो सामने आई है, संघर्ष देखने को मिला है। और दूसरी ओर अधिकारियों और सरकार के बीच में इस मामले को शांत करने के लिए बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।